जब एक अकाउंटेंट किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग वाउचर्स को रिकॉर्ड करने के लिए टेलीप्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो ऐसे में क्या वो अकाउंटेंट टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी ऑप्शन होते हैं, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, क्या उन सभी का जो यूज है वो रेगुलर करते हैं? क्या एक अकाउंटेंट को टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर की जितने भी फीचर्स, ऑप्शन, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, उनका नॉलेज प्रैक्टिकली होना जरूरी है? तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन इन सब बातें पे प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है अक्सर कमेंट में पूछे जाते हैं, और एक जो फ्रेशर अकाउंटेंट होता है वो भी इस बात को लेकर परेशान रहता है कि टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से ऑप्शन को इनेबल करूँ, कौन कौन से ऑप्शन को डिसेबल करूँ। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इसके अंदर हम आपको बताएंगे भी अगर आप ट्रेडिंग फील्ड के अंदर आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर आप कंपनी की आप अकाउंटिंग करते हो, या कोई सर्विस फील्ड की ऐसी कोई कंपनी है जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको उन तीनों कंडीशन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन को इनेबल रखना होता है, कौन कौन से ऑप्शन को आपको डिसेबल रखना होता है, और कौन कौन से ऐसे ऑप्शन होते हैं जो सभी के लिए कॉमन है, उन सभी को तो आपको प्रैक्टिकली यूज हमेशा करना ही पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्मार्ट कंप्यूटर्स राइसेंगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन दिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर की। तो जैसे हम टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके जस्ट बाद हमारे फीचर्स, ऑप्शन, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको टेली सॉफ्टवेयर का मिलता है, टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर की अगर अपने बात करें तो। अब यहाँ पर आपको ये टेली का जो होम पेज है जिसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली का, और इसके अंदर आपको कुछ ही ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई देते हैं, जैसे कि क्रिएट है, अल्ट्रा है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, वाउचर डे बुक, इस तरीके के आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो अब ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे अपने क्रिएट पे क्लिक किया, जैसे अपने क्रिएट का मतलब होता है कोई भी चीज को एक नई बनाना, एड करना, ठीक है ना। जैसे आपने मतलब मोबाइल फोन के अंदर जैसे किसी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपने ऐड करना होता है, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, नंबर अपने टाइप किया, उसके बाद में न्यू कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन करने के बाद में सेव या डन जो भी ऑप्शन होता है उसके ऊपर अपने क्लिक कर देते हैं। तो सेम वो ऑप्शन आपको टेली सॉफ्टवेयर में मिलता है, यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। जैसे अपने क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। ये जो ऑप्शन है आपके यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ अकाउंटिंग मास्टर से रिलेटेड है, कुछ इन्वेंटरी से रिलेटेड है, कुछ ट्रेजरी से रिलेटेड है, और कुछ ट्रेजरी डिटेल है। अब देखो अकाउंटिंग मास्टर का यूज क्या होता है, अकाउंटिंग मास्टर अपने किसको बोलते हैं भी, जो अकाउंटिंग का मतलब होता है भी हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड, जब हम किसी कंपनी की किसी भी दुकान की जब अपने अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंट से रिलेटेड हमें कौन कौन से फीचर्स जो होते हैं ऑप्शन को हमें पता होते हैं। जैसे कि मेन आता है लेजर, भी कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर कोई कस्टमर भी होगा, सप्लायर भी होगा, एक्सपेंसेस भी होगा, तो उन सभी के हमें खाते बनाने पड़ते हैं जिसको अपने टेली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लेजर के नाम से। उसके बाद के अंदर ग्रुप, हालांकि जो ग्रुप है वो ऑलरेडी क्रिएट होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर भी अगर आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ग्रुप और क्रिएट करना चाहते हो तो ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में वाउचर टाइप, वाउचर टाइप वाउचर भी है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, जितने हमारे कॉमन होते हैं, जितने बेसिक होते हैं, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी कंपनी सभी मतलब शॉप्स यूज करते हैं, वो वाउचर ऑलरेडी होते हैं। मेन इसके अंदर आता है आपका लेजर, क्योंकि लेजर आपके सॉफ्टवेयर को नहीं पता भी आपके दुकान में कौन कस्टमर है, उसका नाम क्या, आप किन से सामान खरीदते हो उसका नाम क्या, टेली सॉफ्टवेयर को नहीं पता, तो वो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका मतलब हो गया भी आपको अकाउंटिंग मास्टर के अंदर आपकी कंपनी से रिलेटेड जितने भी अकाउंट रहे, खाते, कस्टमर, सप्लायर्स, खर्चों के, इनकम के, वो सारे आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद बात आती है इन्वेंट्री मास्टर से रिलेटेड। अब इन्वेंट्री मास्टर क्या हो गया, अब ये एक तरीके का हम कह सकते हैं हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है इन्वेंट्री की। अब इसका मतलब आगे सबसे पहले हमारा क्या होता है, स्टॉक आइटम। अब ये स्टॉक आइटम सबसे पहले आपको क्रिएट करनी पड़ती है। अब स्टॉक आइटम का मतलब हो गया, अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता कि आपकी जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो नाम आपको कंपनी क्रिएट करते वक्त करने के जस्ट बाद आपको ये बताना पड़ता है। उसके बाद में यूनिट है, अब इस यूनिट को भी आपको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि आप इस प्रोडक्ट को कौन सी यूनिट में सेल करते हो, पीस में सेल करते हो, क्विंटल में सेल करते हो, केजी में मतलब करते हो, किसी बॉक्स में सेल करते हो, तो वो आप सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है। उसके बाद में आपकी यहाँ पे लोकेशन आ जाती है, यानी कि गोडाउन से रिलेटेड डिटेल आ जाती है भी आप ये जो सेल कर रहे हो, ये जो आपका जो स्टॉक है वो कौन से गोदाम से
लेस होगा, यानी कि कौन से गोदाम से स्टॉक घटेगा आपका, मेन लोकेशन पे है, कोई ब्रांच में है या किसी अदर दूसरी जगह लोकेशन है वहां पर आपसे घटेगा। उसके बाद में स्टॉक ग्रुप है, अब ये ग्रुप भी आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग टेली सॉफ्टवेयर में बना सकते हो, जैसा कोई आप कॉस्मेटिक अलग है आपका, कोई इलेक्ट्रिक ग्रुप अलग है आपका, या कोई और अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं, तो आप स्टॉक ग्रुप भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ये स्टॉक यूनिट, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसके बाद बात आती है यहाँ पर स्ट्रेचरी मास्टर। अब स्ट्रेचरी का मतलब हो गया हमारे बिजनेस के अंदर जो टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी की क्लासिफिकेशन है, टीडीएस की है, टीसीएस की है, तो इन सब के बारे में आप करते हो। अब ये ऑप्शन है जो आपके कॉमन होते हैं, अब ये ऑप्शन आपको कंपनी के अकॉर्डिंग क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आपके कस्टमर, मान लीजिए मेरी एक शॉप है, आपकी भी एक शॉप है, आपके मतलब बिजनेस के अंदर जो कस्टमर आएंगे उसका नाम अलग होगा, मेरी कंपनी के अंदर जो कस्टमर आएंगे उसका नाम अलग होगा, उनका एड्रेस अलग होगा, तो ये सब आपको अलग अलग आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आपको इन सभी को यूज करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, आप जिस कंपनी में करते हो उसके पास जीएसटी नंबर है, तो आपको ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपको यहाँ पर डिटेल है जो डालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक है। उसके बाद बात अपने पास आती है अल्टर की, तो अल्टर के अंदर क्या होता है कि जो अभी हमने क्रिएट किए थे उन सबको अपने मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि अगर उसके अंदर अपने कोई चेंजिंग करनी हो तो अपने चेंजिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में सब आपको ये जो वाउचर्स है, अब जैसे अपने वाउचर पे क्लिक करेंगे तो हमारी कंपनी की जो भी ट्रांजेक्शन रहती है वो हम वाउचर पे आके रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हमारी कंपनी ने क्या परचेज किया है, क्या सेल किया है, कौन सी पेमेंट आई है, कब पेमेंट करी है, रिसीव है, पेमेंट है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारे के सारे हम वाउचर यहाँ यूज करते हैं, जिसकी हमारे यहाँ पर ये साइड में डिटेल बनी रहती है। तो यानी कि ये एक वो बेसिक है जो आपको हर टाइप की फील्ड के अंदर यूज करनी पड़ेगी, जे आप किसी ट्रेडिंग फील्ड की है, जो मतलब ट्रेडिंग है उसकी, बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो उस कंपनी की, जे आपकी जो कंपनी है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई प्रोडक्ट को बना के सेल करती है, जे आप उस कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, जे आपकी कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर है उस कंपनी की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको ये वाउचर वाला ऑप्शन तो तीनों ट्रेड की कंडीशन के अंदर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें कॉमन है, क्योंकि उसके अंदर आपको लेजर भी क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको आइटम भी क्रिएट करनी पड़ सकती है, ठीक है, वाउचर एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी, डे बुक भी आपको देखनी पड़ेगी, ये फाइनल रिपोर्ट भी दिखेगी। तो ये है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के बेसिक ऑप्शन। तो अब अपने बात करते हैं फीचर्स के बारे में। अब फीचर्स और कॉन्फिगरेशन दो एक अलग अलग बात आती है। फीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे, जैसे अपने आपने कंपनी पर क्लिक किया, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है फीचर्स का, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, F11। जैसे अपने F11 पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन अकाउंटिंग ऑफिसर है, ये यहाँ पे खुल जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा अकाउंटिंग से रिलेटेड, फिर इन्वेंट्री से रिलेटेड, फिर यहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड, कुछ यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेस है, पेरोल के बारे में, और कुछ है अदर्स के बारे में। अब देखो अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा, जैसे अपने अकाउंटिंग पे क्लिक कर रहे हैं तो अकाउंटिंग का मतलब होगा भी मेंटेन अकाउंट्स, भी आपकी कंपनी अकाउंट्स को मेंटेन करती है क्या, यस हो जाएगा। उसके बाद में इनेबल बिल वाइज एंट्री, आपका कस्टमर बिल वाइज एंट्री मतलब उसको इंटरेस्ट भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो आप करना या नहीं करना है। कॉस्ट सेंटर आपकी कंपनी यूज करती है या नहीं करती, करती है तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको नो कर सकते हो। अब कॉस्ट सेंटर क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पर आपको ये सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्या आपकी कंपनी आपके कस्टमर से इंटरेस्ट रिसीव करती है तो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की भी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी चाहती भी हमारे कस्टमर अगर हमारे जो पेमेंट है टाइम पर अगर वो नहीं देते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होना चाहिए, तो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसको ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। अभी जरूरी नहीं है सारी कंपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशन चार्ज करती हो, यानी कि इंटरेस्ट है जो रिसीव करती हो, जो नहीं करेगी इस ऑप्शन को नो रखेगी, और जो करेगी वो यस रखेगी। तो अब ये जो ऑप्शन है ना, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी के जो अकाउंटिंग का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, भी कंपनी की अकाउंटिंग आपको किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। तो सभी ऑप्शन आपको यस नहीं करने, सभी नो नहीं करने, जैसे जैसे आपकी कंपनी को जरूरत है वैसे वैसे आपको ये यूज करनी थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ने सारे फीचर बना दिए, अब आपको यूज कैसे करने वो आपको पता है। अब जैसे कि अपने यहाँ देखते हैं इन्वेंट्री के अंदर, अब इन्वेंट्री के अंदर आगे भी मेंटेन इन्वेंट्री, ठीक है। अब इन्वेंट्री का मतलब हो गया कि आपकी जो कंपनी जो स्टॉक आइटम आपने लिखे हैं, आप स्टॉक का भी पूरा आप डिटेल रखना चाहती है कंपनी भी, इस प्रोडक्ट को हमने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, तो आपको इस ऑप्शन को यस रखना पड़ेगा। आपकी कंपनी चाहती है कि यार हमें स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे अकाउंट्स है उसका हमारे को पता चल जाना चाहिए कि हमें इस कस्टमर से तो इतना पैसा लेना है, इस सप्लायर को इतना पैसा देना है,
स्टॉक हमारा मेंटेन रहे ना रहे, तो आप इस ऑप्शन को नो भी कर सकते हो। लेकिन आपकी कंपनी जाती भी बिल्कुल आपका जो स्टॉक है वो बिल्कुल ओके मेंटेन हो, तो आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसा कि ये इनेबल बैच वाइज डिटेल है, अब जैसे कि कुछ कंपनीज होती है जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके ऊपर आपको एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उस प्रोडक्ट का बैच है, ये सारे आपको लिखने पड़ते हैं। जैसे कि मेडिकल की बात हो या ऐसे कोई मतलब फूड्स हो, तो उसके ऊपर भी आपको ये इनेबल बैच नंबर की डिटेल है जो इनवॉइस के ऊपर डिटेल देना जरूरी होता है, तो आपकी कंपनी इसको यस करेगी। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मेरे को एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इन ऑप्शन को नो रखूंगा। तो अभी डिटेल बात आएगी कि भी आपकी कंपनी की जरूरत यहाँ पर भी देखी जाएगी कि भी आपकी कंपनी को इस ऑप्शन की जरूरत है या नहीं है। तो इसी तरीके से इनेबल आपका कॉस्ट ट्रैकिंग है, इनेबल जॉब पोस्टिंग है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन, अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट देती है तो आप इस डिस्काउंट के ऑप्शन को यस कर सकते हो। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, जैसा कि अगर आपकी कंपनी है कोई प्रोडक्ट के ऊपर आप गिफ्ट देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, मुझे मैं पेन सेल करता हूँ, मैंने ये कह दिया अगर मेरे से कोई 12 पेन फ्री खरीदेगा तो मैं उसको 3 पेन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, तो यानी कि टोटल पेन कितने सेल कर रहा हूँ मैं, 15, ठीक है, और पैसे कितने के ले रहा हूँ, 12 का। तो अगर आपकी कंपनी ये इस तरीके की भी प्रोडक्ट सेल करती है, मतलब सेल प्रमोशन के लिए अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। लेकिन मेरा कंपनी अगर ऐसा नहीं करती है तो मेरे को इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अपन बात करते हैं इस टैक्सेशन के ऑप्शन की। अब टैक्सेशन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा जीएसटी का। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने बात की भी मेरी कंपनी में जीएसटी है ही नहीं, मैं जीएसटी उस कंपनी की अकाउंटिंग करता हूँ जहाँ पे जीएसटी नहीं है, लेकिन उस कंपनी को अकाउंट्स प्रॉपर चाहिए, स्टॉक प्रॉपर चाहिए, तो मेरे को इन ऑप्शन को इनेबल करने की जरूरत है, यानी कि इनको यस रखने की जरूरत है, तो मैं जीएसटी को नो रखूंगा। इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी के ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी बनती है या टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी बनती है, तो आपको इन ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी को ऑप्शन को अगर अपने यस करते हैं तो इससे रिलेटेड इनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें देनी पड़ती है। जैसे कि आपकी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको वो सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो कंपोजिशन में है, रेगुलर में है, कौन से के अंदर है, प्रॉपर जीएसटी का नंबर क्या है, आपकी कंपनी जो जीएसटी अर्बन जो रिटर्न फाइल करती है वो मंथली करती है, क्वार्टरली करती है, क्योंकि उस हिसाब से आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपकी रिपोर्ट को जनरेट करेगा। ई इनवॉइस बनाती है नहीं बनाती है, ईवी बिल की लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे जीएसटी डिटेल के अंदर फिर देने भी पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर टीडीएस की लायबिलिटी अगर आपकी कंपनी के ऊपर बनती है तो आपको ये टीडीएस से संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, जैसा कि 10 नंबर है, उसके बाद में उसको कौन हैंडल कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल है वो भी आपको देनी पड़ेगी। ये टैक्सेशन का मतलब होगा टैक्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब उसके बाद में डिटेल आएगी जैसे कि पेरोल है। अब मान लीजिए आपकी कंपनी काफ़ी इंप्लॉई है, वहाँ पर आप प्रॉपर सैलरी को मेंटेन करते हो, मतलब जितने भी ESI PF इंश्योरेंस सब की आप डिटेल रखना चाहते हो, कितना सैलरी देती है, उसके ऊपर कितना टैक्स ऑटोमेटिक डिडक्ट होना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को यस करोगे। तो आप जैसे ही इनको आप यस करेंगे तो उसके बाद में आपके ऑप्शन से संबंधित सारी डिटेल है, आपकी पेरोल की जो स्टेचरी डिटेल है ये यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, कंपनी का कोड है, कंपनी का अकाउंट्स का ग्रुप कोड है, कंपनी के सिक्योरिटी कोड है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन फिर आपकी कंपनी आगे से आगे आपसे मांगती जाएगी। तो अगर आपकी कंपनी को जरूरत नहीं है, मान लीजिए मेरी कंपनी पेरोल यूज नहीं करती है, तो मैं इसको नो रखूंगा। तो ये सारी डिटेल डिपेंड करती है अपनी कंपनी की अकाउंटिंग के स्ट्रक्चर पर, अपनी कंपनी अकाउंटिंग किस टाइप के हमारे से चाहती है, ठीक है। अब ये तो था हमारा F11 के अंदर, सभी कंपनी के अंदर ऐसा ही खुलेगा, चाहे आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, किस टाइप की कंपनी बनाई है, टेली सॉफ्टवेयर को उससे कोई मतलब नहीं। अब जैसे ही अपने वाउचर एंट्री को ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए मैं अभी मेरे सामने पेमेंट वाउचर है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन का। अब जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जनरल डिटेल। ये केवल किसके लिए खुली है, इस पेमेंट वाउचर के लिए। आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये कह रहा है भी यूज क्रेडिट नोट डेबिट नोट 2x की जगह अगर आपको CRDR यूज करना है या 2x का यूज करना है तो यस या नो कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे पास ऑप्शन क्या रहा है, यहाँ पे 2x का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास CRDR का ऑप्शन आए तो मैं F12 प्रेस करूंगा, इसको यस कर दूंगा, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करूंगा। तो अभी यहाँ पर जो बाई ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ पे DR आ गया, ठीक है। यहाँ की F12 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, जो आपके पास में मौके पे जो भी वाउचर खुला होगा उस वाउचर से रिलेटेड अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन इनेबल डिसेबल करना चाहते हो ऑप्शन को, तो वो डिटेल यहाँ आपकी खुलेगी। अब उसके बाद में देखिए अभी प्रोवाइड सप्लायर की जो
इनवॉइस की रेफरेंस की जो इनवॉइस का नंबर है डिटेल है वो यहाँ देखना चाहते हो तो नो यस कर दो, अदरवाइज आप इसको नो कर दो। तो इसी तरीके से ये सारे जितने भी ऑप्शन है ये हमारे केवल और केवल पेमेंट वाउचर से रिलेटेड डिटेल है। अब मैं मान लीजिए सेल ऑप्शन को ओपन करता हूँ, अब मेरे पास में ये सेल वाउचर ओपन हो गया। अब मैं एफ बारह पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर जो कॉन्फिगरेशन आई है ये मेरी सेल वाउचर से रिलेटेड डिटेल आ गई। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ भी मेरे जो कस्टमर है उसको मैं बायर्स की जो डिटेल है मेरी, जो मेरा कस्टमर है उसकी डिटेल मेरे को प्रॉपर मेंशन करनी है, जैसा कि उसकी डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर नंबर, एक्सपोर्ट डिटेल। अगर ये मैं सारा इनवॉइस के ऊपर चाहता हूँ कि प्रिंट होके आए तो मैं इस ऑप्शन को यस रखूंगा। अगर इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है लेकिन कस्टमर को सेल ही करनी है तो इस ऑप्शन को मैं नो रखूंगा, ठीक है ना। जैसा कि अब मान लीजिए एक यहाँ पर एंट्री अपने करते हैं, एक इनवॉइस नंबर यहाँ पर डाल दिया मैंने और यहाँ पर कोई भी एक मैं कस्टमर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक आइटम मैंने ले ली और रुपये डाल दिए। एक बात खाली आपको मैं सिंपल एंट्री इसको आपको मैं करके बता रहा हूँ, उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने टैक्स यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, और इसको मैंने नो करते हुए इस वाउचर को मैंने इसको सेव कर दिया। देखो बिल्कुल सिंपल सा वाउचर बन गया। अब मान लीजिए मैं एफ बारह प्रेस करता हूँ और इन ऑप्शन को मैं यस करता हूँ, ठीक है, तो इन सभी ऑप्शन को मैंने यस कर दिया और कंट्रोल ए कर दिया। अब मान लीजिए मैं एक और कोई इनवॉइस बनाता हूँ, सेम ही कस्टमर को बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी डिस्प्ले से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर ने डिटेल मांग ली भी, अब आपकी जो भी कंपनी है उसका डिलीवरी नोट है, डिस्पैच की डिटेल है, डिस्पैच कौन से थ्रू हो रहा है, एजेंट का नाम क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। लेकिन अब ये आप चाहते हैं ये ऑप्शन पेमेंट में दिखे तो ये वाउचर से डिटेल है जो पेमेंट के अंदर आपको नहीं दिखेगी, तो वो केवल आपको जो ऑप्शन आपने खोल रखा है, जो वाउचर आपने खोल रखे हैं उसी से रिलेटेड कॉन्फिगरेशन सेटिंग आपको देखती रहेगी। अब वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी की जो कॉन्फिगरेशन डिटेल है वो चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था भी बायर की डिटेल आपको चाहिए तो आप इनको यस कर लो, अदरवाइज इनको नो रख दो। इसी तरीके से आप चाहते हो भी आपकी कंपनी पे अगर कुछ स्टॉक आपके पास नहीं हो और उसकी आप वार्निंग चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस कर दो, भी आपका जैसे भी कुछ स्टॉक माइनस में जाएगा तो ये वार्निंग करेगा भी आपके पास में ये जो प्रोडक्ट है नेगेटिव में जा रहा है, आप इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, तो आप इसको यस कर सकते हो। अदरवाइज इसको नो करोगे तो आपका स्टॉक माइनस में जा रहा है तो आपको सॉफ्टवेयर कोई किसी भी प्रकार की कोई भी वार्निंग नहीं देगा। इसी तरीके से यूज एक्सपायर्ड बे स्टॉक आइटम भी, अगर आपके ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो निकल चुकी है तो आप चाहते हो भी उस स्टॉक आइटम को भी आप यूज़ करना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो भी इसको हमें यूज़ नहीं करना तो आप इसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग नो या कर सकते हो, भी करना चाहते हो तो यस कर दो, नहीं करना चाहते तो आप इसको नो रख सकते हो। इसी तरीके से आपको प्रोवाइड जो केस है ट्रेड डिस्काउंट की डिटेल अगर आपको इनवॉइस में जरूरत है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज नो रख सकते। तो कहने का मतलब हो गया भी टेली सॉफ्टवेयर के अंदर सारे अकाउंटेंट सभी फीचर्स को यूज नहीं करते, ये आप ध्यान रखना, सारे फीचर्स है जो अकाउंटेंट है जो यूज नहीं करते। डिपेंड करता है भी अकाउंटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कंपनी आपसे चाहती है कि आपकी कंपनी देती है ये फीचर्स मेरे को चाहिए, तो केवल आपको उन्हीं ऑप्शन के ऊपर फोकस रखना है जो जो कंपनी की डिमांड है। तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, सभी अकाउंटेंट लोग इन सॉफ्टवेयर के फीचर्स को यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके माइंड में थे, इस प्रकार का सस्पेंस जो आपके दिमाग में था भी अकाउंटिंग एक अकाउंटेंट को टेली सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स पता होना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स बहुत होते हैं जो कि अकाउंटेंट के लिए इन सब को याद रखना, इन सब की डिटेल्स को रखना पॉसिबल नहीं होता है। एक अकाउंटेंट टेली सॉफ्टवेयर में उतने फीचर्स को यूज करता है जितनी उस कंपनी को जरूरत है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आप सारी बातें समझ गए होंगे, फीचर्स और कॉन्फिगरेशन दोनों हमें कब कब और किस किस कंडीशन के अंदर यूज करनी होती है। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।